हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैंने फेस का सीटीएम कर लिया है। सीटीएम में होता है, पहले क्लीजिंग व्हील से फेस को क्लीन करें, फिर टोनर करें और फिर मॉइस्चराइजर, फेस पे मॉइस्चराइजर लगाएं। अब मैं लगा रही हूँ प्राइमर, अच्छे से 1-2 मिनट के प्राइमर लगाए फेस पर, फिर उसके बाद 1-2 मिनट के लिए सेट होने के लिए छोड़ दें प्राइमर को। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करो जी। अब मैं अपने बालों में डाल लूँगी क्लेक्चर। अब मैं बेस बनाऊंगी फेस का। पहले मैं आईज पे लगाऊंगी, पहले आईज का मेकअप होता है, उसके बाद बेस बनता है फेस का। पहले हम बेस बनाएंगे तो आईज पे मेकअप करेंगे तो बेस हट जाएगा, इसलिए पहले आईज का मेकअप करें, बेस्ट होता है आईज का मेकअप पहले करना। अब मैं आईज पे बेस लगा रही हूँ। आईज पे कंसीलर लगाएं, पहले जहाँ जहाँ डार्क वो वहाँ पे कंसीलर लगाएं, आईज एरिया पे, आईज के नीचे, ऑरेंज कलर का कंसीलर है ये। हम शादी में जा रहे हैं आज, तैयार श्यार हो के आज हम जा रहे हैं। बेटी अपने बालों को प्रेस करवा रही है। ये भी अपनी तैयारी में लग रही है। आईज का अच्छे से बेस लगाए, जहाँ जहाँ डार्क वो वहीं पे लगाए कंसीलर को, माउथ पे के साइड में के एरिया में। मैं ब्लेंडर को गीला कर लूँगी, गीला करके फेस पे लगाएं। अच्छे से ब्लेंडर से करें। आईज पे मेकअप बहुत फिनिशिंग के साथ करना चाहिए और अच्छे से ब्लेंड करके तब करें। जितनी अच्छी से फिनिशिंग लाएंगे ऐसे अच्छा दिखेगा। अब आंखों के नीचे अच्छे से लगाएं, अब माउथ एरिया पे लगाएं। अच्छे से जहाँ जहाँ डार्क हो वहीं पे लगाना, ब्लेंडर से अच्छे से करें। जितने अच्छे से हम बेस को तैयार करेंगे उतना ही लंबा चलेगा, ऐसा नहीं करना कहीं ज़्यादा कहीं कम। अच्छे तक कलर फिनिशिंग के साथ है। करें देखो, मैं अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। अब लूज बॉर्डर लगाएं। अब मैं आईज पे लूज बॉर्डर लगाऊंगी ब्रश से। आप उंगली से भी लगा सकते हैं और ब्रश से भी। मैं ब्रश से लगाऊंगी आईज पे, दोनों आईज पे अच्छे से अप्लाई करें। और कैसे आता है
अब आई सेट लगाऊंगी मैं अच्छे से सेट करके लगाई। साथ में और भी तैयार हो रही हूँ, उनके साथ बात कर रही हूँ मैं। अब मैं लगाऊंगी। अब ये आई शेडो है मेरी, आई शेडो किट। अब मैं लगाऊंगी। अचानक से दुकान पे कोई आ गया था, इसलिए मुझे सिर्फ ये डालना पड़ा। मैं करूंगी आईज का मेकअप आई शेडो कलर मैचिंग से, जो मेरे गाउन का कलर है वही मैं आईज पे लगाऊंगी। थोड़ा थोड़ा लेके, थोड़े जिसको पहले झाड़ के तब लगाए आईज पे, डार्क अप्लाई ना करें। अगर ज़्यादा ज़्यादा लेके डार्क अप्लाई करेंगे तो फिनिशिंग नहीं आएगी। कम कम लेके तब आई पे अप्लाई करें झाड़ के उसको, और अच्छे से ब्लेंड करें ब्रश से, फिनिशिंग से साइड करें। मैं आईज में ज़्यादा टाइम लगता है। आप ब्रश से भी कर सकते हो आईज मेकअप, और उंगली से भी, उंगली से भी फिनिशिंग के साथ हो जाता है, और ब्रश से भी। ये नहीं है कि हमारे पास ब्रश नहीं है तो आईज मेकअप अच्छा नहीं होगा, नहीं, ब्रश नहीं है तो आईज मेकअप तब तो भी अच्छा होएगा, ब्रश से भी अच्छा होता है और उंगली से भी। करने का तरीका आना चाहिए। देख मैं इसको झाड़ झाड़ के सब लगा रही हूँ आईज पे। अब मैं लगा रही हूँ ग्लिटर आईज पे। आपकी मर्जी है ग्लिटर लगाए या न लगाए, आपको पसंद हो तो लगा ले, नहीं तो नहीं, रहने दे। आप देख सकते हो मैं उंगली से भी कर लेती हूँ और ब्रश से भी, दोनों तरह से करती हूँ। अब मैं आईज पे करूँगी हाईलाइट। अब आईज के ऊपर हाईलाइट करने से ऊपरी ऊपरी आईज लगती हैं, ऊपर के एरिए पे गोल्डन कलर की हाईलाइटिंग है ये, वो करूँगी। ये मेरी क्यूट सी बेटी है जो मेरे साथ बैठी है, अपने बालों को प्रेस करवा रही है। बहुत क्यूट बेटी है मेरी।
छोटे बच्चों को भी बहुत शौक होता है, ये करवाएं मम्मी ये करवा रही है तो हम भी ये करवाएं। मैं लगाऊंगी लाइनर, वाटरप्रूफ लाइनर है ये। ये ग्लिटर है, अच्छे से दिख नहीं रहा है मुझे। अब दोनों आईज भी लगा लूंगी। मुझे वहां पे अच्छे से नहीं दिख रहा था, अब मैं आई हूं अंदर। अब लगाऊंगी लाइनर में आईज के अपन पे। आप देख सकते हो, देखो कितना अच्छा लाइनर लगा है, कितने प्यारा आईज मेकअप हुआ मेरा। दिन का है ये, इसलिए मुझे मैंने लाइट की है, आई शेडो लगाया है। दिन में ज़्यादा डार्क नहीं अच्छा लगता, लाइट लाइट अच्छा लगता है। आप देख सकते हो ज़्यादा डार्क नहीं है, लाइट है बिल्कुल। ये आईब्रो पेंसिल लगा रही हूँ मैं। मैं फेस का बेस बनाऊंगी अपना, थोड़ा थोड़ा अपनी स्किन से। एक नंबर लाइट कलर लें, ज़्यादा लाइट नहीं करना, उससे फिर ज़्यादा वाइट वाइट फेस लगता है। एक नंबर लाइट लेना है। मैं ब्लेंडर को गीला करके अच्छे से बेस बनाऊंगी। हम बहुत लेट हो रहे थे, जल्दी जल्दी मेकअप कर रहे हैं अपना। ये मेरी जेठ की बेटी है और ये मेरी जेठानी है। अच्छे से अप्लाई करें, जितना अच्छा बेस बनेगा ना इसे लॉन्ग टाइम तक चलेगा। इसे टैप टैप करके थोड़ा थोड़ा लगा के बेस बनाए, ऐसा नहीं ज़्यादा ज़्यादा लेके तब तो बेस बनाए, अच्छा बेस नहीं रहता, फटाफटा बेस हो जाए।
अच्छे से अप्लाई करूँगी। अपनी मम्मी के बालों का स्टाइल बना रही है। थोड़ा थोड़ा लेके अब मैं दो टोन वाइट लूँगी, जो लिया उसे दो नंबर वाइट लेना है। अच्छे से ब्लेंड करें। आप देख सकते हो मैं कितने अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। ऐसे ब्लेंड करने से बेस बहुत अच्छा बनता है। और आप कितने ही समय तक रख सकते हो इस मेकअप के को, 12-15 घंटे, कितने टाइम तक रखो, यूं का यूं रहेगा, ब्लैक नहीं पड़ेगा फेस बिल्कुल भी। जो मैंने किया है ना यही रहेगा, ब्लैक नहीं होएगा। इसमें मेकअप में थोड़ा टाइम देना पड़ा है ब्लेंड करते ही। या आईज पे के नीचे इस मेकअप को सुबह करके आप रात तक रख सकते हैं, यूं का यूं मेकअप रहेगा। मैं कंटूरिंग कर रही हूँ। नोज की कंटूरिंग करी मैंने। दो टोन डार्क लेके अब गालों की करूँगी। इससे उभरे उभरे गाल दिखते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं उभरे उभरे गाल। अब दोबारा तो बेस लगा कर इसे अच्छे से सेट करें। अब हम उस पर कंटोरी के ऊपर बेस अच्छे से सेट करेंगे। जो डबल चिन हो जाए है उसके यहाँ पे कंटोरिंग करें, उससे डबल चिन नहीं दिखेगी हमारी। ऐसे अच्छे से ब्लेंड करें। गर्दन पे सेम ही हमें गर्दन पे करना होता है, ऐसा नहीं फेस अलग और गर्दन अलग, सेम करना होता है फेस पे भी और गर्दन पे भी। मैं लगा लूँगी लूज पाउडर पूरे फेस पे। आप देख सकते हो कितनी प्यारा आईज मेकअप हुआ मेरा। अब मैं लगा लूँगी लिप बाम और फिर लगा लूँगी लिपस्टिक और मेरा फाइनल लुक ऐसा था। देखो मैं कैसे लग रही हूँ, प्लीज़ बताना ज़रूर।